तो ये है iPhone 12 Pro जो लॉन्च हुआ था 2020 में। इंडिया से आईफोन को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट जो है 4 साल हो चुके हैं एंड इस आईफोन के लिए आप सबकी अभी भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि क्या जो आईफोन 12 प्रो है वो हमें 2024 में बाय करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए जो आईफोन 12 प्रो है वो 5G आईफोन है और अगर हम बात करें इसके फीचर्स की तो आईफोन 12 प्रो में ऑलमोस्ट हमें वो सभी फीचर देखने को मिल जाते हैं जो हमें एक लेटेस्ट जनरेशन के आईफोन में देखने को मिलते हैं। सो चलिए आज हम आईफोन 12 प्रो का एक डिटेल में रिव्यू करेंगे और साथ ही हम इसका जो है डिटेल में कैमरा टेस्ट भी करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे इसके प्राइसिंग की। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड Let's start. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन से। तो बात करें डिजाइन की तो आईफोन के जितने भी प्रो मॉडल्स के डिजाइन होते हैं वो हमें ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिल जाते हैं, उनमें कोई भी ज्यादा मेजर डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। वहीं अगर हम बात करें आईफोन 12 प्रो के डिजाइन की तो आईफोन 12 प्रो का जो डिजाइन है वो देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम और अट्रैक्टिव लगता है और साथ ही में जो आईफोन 12 प्रो उसकी बैक साइड पर हमें भाई फ्रोस्टेड ग्लास पैनल देखने को मिल जाता है एंड जिसकी वजह से जो आईफोन 12 प्रो की जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। वहीं अगर हम बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो जो आईफोन 12 प्रो है उसमें हमें स्टेनलेस स्टील का फ्रेम देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से जो आईफोन 12 प्रो की बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें इसके फ्रंट एंड बैक साइड तो दोनों साइड पर जो हमें सेरेमिक शील्ड वाले ग्लास पैनल देखने को मिल जाते हैं एंड ये अगर हम बात करें भाई आईफोन 12 प्रो की तो ये जो आईफोन 12 प्रो ये गोल्डन कलर में है एंड देख सकते हैं कि जो गोल्डन कलर में इसकी लुक है भाई वो कितनी ज़्यादा प्रीमियम और अट्रैक्टिव लगती है। एंड आई थिंक जो गोल्डन कलर है भाई 12 प्रो में वो आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रीमियम लगता है देखने में अदर कलर के कंपैरिजन में। सो एंड अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो बात करें डिस्प्ले की तो आईफोन 12 प्रो में हमें 6.1 इंच का सुपर रिटेना XDR OLED डिस्प्ले पैनल देखने को मिल जाता है जो आता है 800 निट्स की ब्राइटनेस के साथ एंड जिसकी जो पीक ब्राइटनेस है अगर हम आईफोन 12 प्रो को आउटडोर यानी कि डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ करते हैं तो जिसकी पीक ब्राइटनेस है वो 1200 निट्स तक चली जाती है। बट आईफोन 12 प्रो की डिस्प्ले में जो एक मेजर ड्रॉबैक मुझे लगता है वो है इसका रिफ्रेश रेट। जी हाँ, जो आईफोन 12 प्रो है उसमें हमें स्टिल अभी भी जो है 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। बाकी अगर इसको हम कंपेयर करें अदर प्रो मॉडल से लाइक आईफोन 13 प्रो 14 प्रो एंड 15 प्रो तो उन प्रो मॉडल्स में जो हमें 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। सो एक मेजर ड्रॉबैक है आईफोन 12 प्रो की डिस्प्ले का। बाकी ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी गुड है बट जो रिफ्रेश रेट है आईफोन 12 प्रो में वो हमें 60Hz देखने को मिलता है। सो ये एक मेजर ड्रॉबैक है आईफोन 12 प्रो की डिस्प्ले का। वहीं अगर हम इसको भाई साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं आईफोन 15 की ब्राइटनेस से तो दोनों ही आईफोन आप देखते हैं आउटडोर में है एंड इनकी ब्राइटनेस का जो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि दोनों आईफोन्स की डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस में क्या डिफरेंस आता है। सो चलिए बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो बात करें परफॉर्मेंस की तो जो आईफोन 12 प्रो है उसमें हमें 6GB की रैम देखने को मिल जाती है और साथ ही में हमें एप्पल की तरफ से जो है A14 बायोनिक चिप सेट का सपोर्ट जो आईफोन 12 प्रो में देखने को मिल जाता है एंड नो डाउट जिसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। एंड जो आईफोन 12 प्रो है इस टाइम पे जो लेटेस्ट iOS 17.5.1 पे रन कर रहा है एंड आईफोन 12 प्रो में हमें जो है लेटेस्ट iOS 18 का जो है अपडेट वो भी देखने को मिलेगा तो इसकी वजह से जो आईफोन 12 प्रो है वो फ्यूचर प्रूफ बन जाता है। और वहीं अगर हम बात करें भाई इसकी परफॉर्मेंस की तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है आईफोन 12 प्रो की वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। बट अगर आप जो आईफोन 12 प्रो को एज ए कोर गेमर यूज़ करते हो तो भाई वहाँ पे आपको थोड़ी सी लैगनेस देखने को मिल जाएगी। आईफोन 12 प्रो जो है अपनी डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह लूज़ करते थे अगर आप काफ़ी टाइम तक जो है BGMI जैसी हैवी गेम को जो है आईफोन 12 में परफॉर्म करते हैं। बाकी जो ओवरऑल प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है भाई आईफोन 12 प्रो की वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। एंड अब बात कर लेते हैं इसके कैमरास की। तो बात करें कैमरास की तो जो आईफोन 12 प्रो है उसकी बैक साइड पे जो हमें 12 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। फर्स्ट वन जो हमारा वाइड एंगल कैमरा यानी कि जो हमारा मेन कैमरा सेंसर होता है वो आता है 26mm फोकल लेंथ के साथ एंड जो सेकंड कैमरा दैट इज अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो आता है 13mm फोकल लेंथ के साथ एंड जो थर्ड वन है दैट इज टेलीफोटो कैमरा यानी कि जो हमारा पोर्ट्रेट मोड वाला कैमरा होता है वो आता है 52mm फोकल लेंथ के साथ। सो चलिए अब कर लेते हैं आईफोन 12 प्रो का कैमरा टेस्ट एंड सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इसका वीडियो मोड एंड आपको बता दें कि जो आईफोन 12 प्रो है वो मैक्सिमम 4K 60fps तक जो वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है और साथ ही में हमें जो आईफोन 12 प्रो में 3 मोड मिल जाते हैं जिसमें हम वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं 0.5x यानी कि अल्ट्रा वाइड मोड, 1x यानी कि जो हमारा वाइड एंगल मोड एंड थर्ड होता है जो हमारा 2x मोड। सो चलिए अब कुछ वीडियोज़ के सैम्पल आपको दिखाते हैं जो आईफोन 12 प्रो से शूट किए गए हैं एंड तो ये जो वीडियो आप इस टाइम पे स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आईफोन 12 प्रो के फ्रंट कैमरे यानी कि जो हमारा सेल्फी कैमरा होता है उससे रिकॉर्ड की गई है एंड जो फ्रेम रेट है वो 4K 30fps है एंड जो ऑडियो है वो भी इस टाइम पे जो इसके इंटरनल माइक से रिकॉर्ड की गई है, कोई एक्सटर्नल माइक इसमें यूज़ नहीं किया है तो आप ऑडियो क्वालिटी के साथ साथ जो है फ्रंट कैमरा की डायनेमिक रेंज को भी चेक कर सकते हैं।
एंड नाउ कम टू द पोर्ट्रेट मोड। सो चलिए अब कर लेते हैं आईफोन 12 प्रो का पोर्ट्रेट मोड टेस्ट। एंड आपको बता दें कि जो आईफोन 12 प्रो है उसमें अलग से डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है, एंड जिसकी वजह से जो हम आईफोन 12 प्रो से जो है 2x तक का जो है पोर्ट्रेट फोटो क्लिक कर सकते हैं। सो चलिए अब कुछ पोर्ट्रेट फोटोज के सैंपल आपको दिखाते हैं। एंड फाइनली कम टू द नॉर्मल फोटो मोड। सो चलिए अब कर लेते हैं भाई आईफोन 12 प्रो का नॉर्मल फोटो मोड टेस्ट, यानी कि जो हमारा वाइड एंगल कैमरा होता है उससे कुछ फोटोज क्लिक करेंगे एंड देखते हैं कि नॉर्मल फोटो में इसकी क्वालिटी कैसी आती है। एंड आपको बता दें कि जो आईफोन 12 प्रो है उसमें नॉर्मल फोटो मोड में हमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें हम फोटो को क्लिक कर सकते हैं 0.5x, 1x एंड 2x। सो चलिए कुछ फोटोज के सैंपल आपको दिखाते हैं। एंड एंड फाइनली अब बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन की, क्या जो आईफोन 12 प्रो है वो हमें 2024 में बाय करना चाहिए या फिर इसको जो है स्किप कर देना चाहिए। देखिए जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो आईफोन 12 प्रो है वो एक 5G आईफोन है, और साथ ही में अगर बात करें इसके फीचर्स की तो आईफोन 12 प्रो में ऑलमोस्ट हमें वो सभी फीचर देखने को मिल जाते हैं जो हमें एक लेटेस्ट जनरेशन के आईफोन में देखने को मिलते हैं, हालांकि बस कुछ एक फीचर्स को छोड़ के, लाइक जो सिनेमैटिक मोड वगैरह के फीचर होते हैं वो हमें आईफोन 12 प्रो में देखने को नहीं मिलते। बट साथ ही में जो आईफोन 12 प्रो में एक मेजर ड्रॉबैक मुझे लगा भाई, वो एक फर्स्ट तो मैंने बता दिया कि जो आईफोन 12 प्रो की डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है वो हमें 60Hz देखने को मिलता है। एंड सेकंड जो मेजर ड्रॉबैक है आईफोन 12 प्रो में वो है भाई इसकी बैटरी। जी हाँ, तो जो आईफोन 12 प्रो है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ जो 2800mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो आराम से अगर आप एक नॉर्मल डे यूजर हो तो भाई तो फुल डे का बैटरी बैकअप आपको इजीली निकाल के दे देगा। बट अगर आप जो है भाई गेमिंग वगैरह करते हैं एंड हैवी यूज करते हो आईफोन 12 प्रो को, तो जो आईफोन 12 प्रो है वो आपको फुल डे का बैटरी बैकअप नहीं दे सकता। बाकी जो बात करें इसके प्राइसिंग की, तो जो आईफोन 12 प्रो है वो आपको इस टाइम पे जो है 30,000 से 35,000 तक की रेंज में देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको इस प्राइस रेंज में आईफोन 12 प्रो चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको बेस्ट प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी आईफोन्स अवेलेबल कराते हैं। बाकी भाई दिस इज माई ओपिनियन एंड चॉइस इज यूअर। सो